जुहार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सखुआ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सखुआ भाग 9। इस भाग में आप पढ़ेंगे एक और कहानी। इस कहानी का नाम है दिसुम ताबू गुले गुले। आप यहाँ यह चित्र देख रहे हैं। इसमें महिलाएं गुंगू ओढ़कर धान रोप रही हैं। खेत की मेड़ पर छतरी रखी हुई है। खेत में एक बूढ़ा किसान और कुछ लड़के हल जोत रहे हैं। खेतों के पास एक बड़ा पेड़ है। इस कहानी में आगे क्या होता है, इसे जानेंगे हम इस कहानी में। चलो शुरू करते हैं कहानी। बारिश का मौसम था। रिमझिम बारिश हो रही थी। गांव के लड़के खेतों की जुताई कर रहे थे और महिलाएं धान रोप रही थी। वे सभी काम करते हुए गीत गा रहे थे। दिसुम ताबू गुले गुले निमिन बुकिन दिसुम रे बुझो नो मकाना बुरु कोते बया कना ऊन मीन सुगड़ दिसुम रे बुबकर ताना दिसुम ताबू गुले गुले निमिन बोगिन दिसुम रे जोनो मकाना बुरु कोते बया कना ऊन मीन सुगड़ दिसुम उबकड़ ताना। काम करते करते दोपहर हो गई। लड़कों को भूख भी लग रही थी। खाने की पोटली एक डलिया में रखी थी। लड़कों ने डलिया को डोरी के सहारे पेड़ की टहनी पर लटका रखा था। डोरी को खोलकर सभी लड़कों ने डलिया से अपनी अपनी खाने की पोटली ली और खेत की मेड़ पर बैठकर खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद लड़के बाकी बचे खेतों की जुताई में लग गए। जुताई का काम कुछ बचा हुआ था कि बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। लड़के डर गए। सभी लड़के छलांग लगाते हुए भागने लगे। भागते हुए वे सभी एक दूसरे के ऊपर नीचे गिरने लगे। लड़कों के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी खेत में जुताई कर रहा था। उसने लड़कों से कहा, तुम सब जवान होते हुए भी बादल के गरजने से डरते हो? उसकी बात सुनकर लड़के बोले, मनोहर दादू, आप कई बसंत देख चुके हैं, तो आप क्यों डरेंगे? हम लोगों को तो डर लगेगा ही। धान रोप रही महिलाओं ने अपनी अपनी छतरी और गुंगू ओढ़ लिए और धान रोपती रही। कुछ देर के बाद बादलों का गरजना बंद हो गया और बारिश भी थम गई। बारिश थमने के बाद महिलाओं ने छतरी और गुंगू खेत की मेड़ पर रख दिए और फिर से गीत गाते हुए धान रोपने लगती है। लड़के भी खेत जोतने लग गए। शाम को सभी गांव की चौपाल पर इकट्ठे होते हैं। ढोलक बजाते हैं, गीत गाते हैं और नाचते हैं। सभी को गाते नाचते देखकर मनोहर दादू भी खुशी से डेगची का ढक्कन बजाते हुए नाचने लगा।
सभी खूब गाते बजाते और नाचते हैं। यह तो थी कहानी। अब इस कहानी से आप सीखेंगे शब्द, अक्षर और ओ मात्रा। आप इस कहानी में लाल रंग से लिखे हुए कुछ शब्द देख रहे हैं। ये शब्द हैं छतरी, डलिया, डोरी, डोरी, डलिया, छतरी, छतरी, ढक्कन। अब इन्हीं शब्दों से सीखेंगे हम कुछ अक्षर और ओ मात्रा। आप यहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं और इसके नीचे लिखे हैं इनके नाम। यह है छतरी और इसके नीचे लिखा है इसका नाम छतरी। यह ढक्कन है और इसके नीचे लिखा है ढक्कन। यह डलिया है और इसके नीचे लिखा है डलिया। यह डोरी है और इसके नीचे लिखा है डोरी। ये शब्द हैं छतरी, ढक्कन, डलिया, डोरी। शब्दों को एक बार और दोहराते हैं। छतरी, ढक्कन, डलिया, डोरी। यह लिखा है छतरी। छतरी में पहली आवाज है छ। क्या है? छ। छतरी में यह जो पहला अक्षर लिखा है वह है छ। क्या है? छ। और यह जो नीचे लिखा है वह भी है छ। यह लिखा है ढक्कन। ढक्कन में पहली आवाज है ढ। क्या है? ढ। ढक्कन में यह जो पहला अक्षर लिखा है वह है ढ। क्या है? ढ। और यह जो नीचे लिखा है वह भी है ढ। यह लिखा है डलिया। डलिया में पहली आवाज है ड। क्या है? ड। डलिया में यह जो पहला अक्षर लिखा है यह है ड। क्या है? ड। और यह जो नीचे लिखा है वह भी है ड। क्या है? ड। तो इन शब्दों से सीखे हैं हमने तीन नए अक्षर। कौन कौन से अक्षर सीखे हैं? छ, ड, ढ। एक बार और दोहराते हैं। छ, ड, ढ। अब आप यहाँ देख रहे हैं डलिया और डोरी का चित्र और इनके नीचे लिखे हैं इनके नाम। यह क्या है? डलिया। और यह इसका नाम डलिया। यह क्या है? डोरी। और इसके नीचे है इसका नाम डोरी। यहाँ ये दो शब्द लिखे हैं। यह क्या है?
दलिया। और यह क्या है? डोरी। क्या है? दलिया, डोरी। दलिया, डोरी। दलिया में पहली आवाज ड, डोरी में पहली आवाज डो। दलिया में या जो पहला अक्षर लिखा है वह है ड, और यह जो नीचे लिखा है वह भी है ड। डोरी में यह जो पहला अक्षर लिखा है वह डो, और यह जो नीचे लिखा है वह भी है डो। चलो इन्हें दोहराते हैं। ड डो, ड डो, ड डो। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है? यह है ड और यह हो गया डो। ड में ओ मात्रा लगाने से यह हो गया डो। क्या हो गया? डो। चलो अब इस मात्रा को अन्य अक्षरों पर लगाकर पढ़ते हैं। छ, छो। ढ, ढो। ड, डो। म, मो। ज, जो। द, दो। र, रो। ल, लो। न, नो। स, सो। ब, बो। अब इन अक्षरों पर आप भी ओ मात्रा लगाकर पढ़ो। झ, झो। च, चो। ख, खो। ड, डो। क, को। घ, घो। प, पो। ग, गो। ट, टो। त, तो। आ, ओ। ड, डो। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कुछ शब्द और वाक्य। चलो अब इन्हें पढ़ते हैं। चोकर, जोर, डोर, मोर, दोहा, दोपहर, डोली, झोला, जोगी, झोली, चोटी, चोखा, गोदाम, जुहार, खोखला, खोज, तोता, कोकिला, घोड़ा, छोरा, टोटका, टोकरी, टोपी, तोड़ना, दोना, नोचना, पोटली,
डोकरी, गोदाम, पिरोना, किलो, जोड़, छोरी, छोटी, छोकरी, छोला, छोड़ा, दोपहर में खाना खा, गोदाम में टोपी रख, तोता जोगी को जुहार कर, टोकरी घर में रख, पोटली को टोकरी में रख, घोड़ा जोर लगा, कोकिला गीत गा, जोगी टोटका मत कर, डोरी खोज कर ला। और ये भी पढ़ो, 6 साल की छोकरी सिर पर रखकर टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। तो दोस्तों, आज इस भाग में आपने सीखे कुछ अक्षर, ओ की मात्रा और उससे बनने वाले शब्द और वाक्य। आप इन्हें अपनी कॉपी में जरूर लिख लें और अपने माँ बाबा को पढ़कर सुनाना ना भूले। मैं फिर आऊंगा आपके पास सखवा भाग 10 लेकर। धन्यवाद, आपका दोस्त सखवा।